हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनाई किचन प्राइम में। तो आज मैं आपके लिए लेकर तिल की चिक्की, यहाँ पर मैंने लिया है तिल और एक ही कप मैंने लिया है गुड़, और मैंने यहाँ पर लिए 2 टेबलस्पून मूंगफली। जिस चीज़ पर हम चिक्की को बनाने वाले हैं उस चीज़ को हमें पहले से ऑयल या घी पहले उसे ऑयल या घी से हमें अच्छे से ग्रेस कर लेना है, ताकि जब हम चिक्की बनाएं तो इस पर चिपके ना और बड़े आसानी से वो निकल जाए। यहाँ पर लिए है एक कढ़ाई, लिए हुए तिल को हम इसमें ऐड कर डाल देंगे और यह तिल को हमें अच्छे से भून लेना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हमें इसे भून लेना है। हमें इसे लो टू मीडियम आंच पर ही से हमें इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे चलाते हुए ही हमें भूनना है, बीच बीच में हमें इसे चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं तिल हमारे बढ़िया से फूल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो मैंने लगभग इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और लिया हुआ गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। गुड़ को हमें इसी तरीके से चलाते रहेंगे। गैस को हमें बिल्कुल लो आंच पर रखना है। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। टिक्की के लिए गुड़ हमें कितना परफेक्टली पकाना है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। देख सकते हैं मैंने एक कप में एक बॉल में ले लिया है पानी। हमें गुड़ को चेक करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये गुड़ हमारा जम नहीं रहा है। इसका मतलब ये गुड़ हमारा परफेक्टली नहीं पका है, और हमें इसे कुछ मिनट से 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी आप कोई वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चिक्की में है एक बढ़िया सा शाइन आ जाए। लगभग 1 मिनट हमारा हो चुका है और पकाते वक्त अब हमें इसे दोबारा से चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इस गुड़ हमारा जो जम रहा है, इसका मतलब है कि हमारा गुड़ परफेक्टली पक चुका है। गैस को हमें लो आंच पर रखना है। अब परफेक्टली हमारा गुड़ पक चुका है, तो लिए भुने हुए तिल को हम गुड़ में डाल देंगे। भुने हुए पीनट्स को जो हमने लिया था उसे भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर, जिससे कि एक बढ़िया सा टेस्ट आ जाए इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। गैस को कर देंगे ऑफ और ये निकाल लेंगे। हमें इसे गर्म गर्म ही इस पर निकाल लेना है, गर्मा गर्म ही इसे निकाल लेना है, ताकि सेट करने में आसानी होती है। इसे ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है हमें, और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है, जिससे कि हम इसे बेल लेंगे और इसे हाथों से सेट भी करना है हमें। बेलने से पहले हमें इसे जिस चीज़ से हम इसे बेलेंगे उस पर पहले हमें ऑयल या घी लगा लेना है, ताकि ये चिपके ना। तो इसे हाथों से हमने सेट करते जाना है और इसे इस तरीके से बेल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें सेट करना है और बेलना है इसे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बेल भी लिया है, और ये काफ़ी सेट भी हाथों से अपने अच्छे से सेट भी कर लिया है। तो अब हमें गर्मा गर्म ही इस पर इस तरीके से कट लगा लेना है। जिस साइज़ के आप चिक्की बनाना चाहते हैं उस साइज़ के हम इसे उस साइज़ के कट लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस पर कट लगा लिए हैं। अब इस तरीके से हमें इसे लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सभी पर कट लगा लिया है। तो अब हमें इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, जो बहुत ही आसानी से निकल रही है। तो अब हमें इसे निकाल लेंगे।
आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी मार्केट जैसे हमारी तिल की चिक्की बनकर रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ही आसानी से निकल भी रही है, तो सभी को इस तरीके से निकाल लेंगे हम। हमने सभी को निकाल लिया है, तो अब